हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंडिकुट ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑन पैसिव के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जो आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा यार, बहुत सारे सवाल जो आते रहते हैं, लोग पूछते रहते हैं, ठीक है। तो आज मैंने सोचा है कि करीबन 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने कैटेगराइज किया है, और उनके पूरे जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। और जितने भी नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जिनको कोई सवाल है ऑन पैसिव से रिलेटेड, आज इस वीडियो को देखेंगे, उनकी पूरी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, है ना। तो रहेंगे आपके सवाल, होंगे हमारे जवाब। तो ऑन पैसिव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो दोस्तों, कमेंट करना। बाकी आज की इस वीडियो में तो आपकी पूरी सवाल का जवाब मिल ही जाएगा, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा दोस्तों, लेकिन जवाब पूरा दे के ही जाऊंगा मैं, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा बकवास किए हुए, ओके। तो पहला सवाल, व्हेन आई एक्टिवेट माय ओ वैलेट अकाउंट, व्हाट इन्फॉर्मेशन विल आई नीड टू प्रोवाइड। कहता है कि जब मैं अपना ओ वैलेट अकाउंट को एक्टिवेट करूंगा, तो उस समय मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा जिससे कि हमारा ओ वैलेट एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, उस समय आपको क्या देना पड़ेगा, ये ऑन पेसिव का ही आपका कहा हुआ चीज़ है, मेरा खुद का नहीं है, क्योंकि आप खुद देख सकते हो मैंने आईडी खोला हुआ है, वहाँ से मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, इनका कहना है कि टू एक्टिवेट योर वैलेट, जैसे आपका वो वैलेट आ जाता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, यू विल नीड टू प्रोवाइड पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आईडी प्रूफ। आपको खुद का कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा और आईडी प्रूफ देना होगा, आपका ओ वैलेट चालू हो जाएगा, ठीक है। ये एक सवाल था, और इसका जवाब देने के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछूंगा कि हाउ डज ओवरफ्लो वर्क। तो वो जो ओवरफ्लो कैसे काम करता है, जिसको हम लोग स्पीड ओवर कहते हैं, आपको याद होगा। तो ये सवाल भी बहुत सारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसका जवाब भी आज दे ही देते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया कि वंस द कंपनी इज ऑन अ ग्लोबल स्केल, डेट मीन्स कि ग्लोबल स्केल में जब पूरी दुनिया के लिए जब कंपनी ओपन हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी फुल्ली, तभी इस चीज का उस खुलासा होगा और ये काम करेगा, ओके। तो कहते हैं कि उस समय ईच फाउंडर विल ओनली हैव 3 कस्टमर्स ऑन देयर फ्रंट लाइन। अगर उस समय क्या होगा, जब पूरी तरह से पूरे ग्लोबल लॉन्च हो जाएगा, तब आपके नीचे 3 ही लोग डायरेक्ट दिखाई देंगे, ओके। 3 डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद द बैलेंस इज देन फिल्टर डाउन बेस्ड ऑन डेट स्टैम्प। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डेट एक स्टैम्प होता है, जब आप आते हो इस कंपनी में ऑन पैसिव में, तो एक टाइम और डेट आपका रजिस्टर्ड हो जाता है कि इस डेट से फलना जो है ज्वाइन किया था ऑन पैसिव में, उसी आधार पे स्ट्रक्चर डेवलप होगा और उसी आधार से लोगों को प्लेसमेंट दिया जाएगा, मतलब आपके डाउनलाइन में लोगों को रखा जाएगा, ठीक है। आपसे जो पीछे आए हैं वो सब आपके नीचे ही जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ यू नो ऑन पैसिव, रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे जानते हैं ये स्पिल ओवर कैसे काम करता है, मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों। इस प्रकार से AI टेक्नोलॉजी क्या करेगी, लेफ्ट राइट के आधार पर ये लोगों को आपके और क्या बोलते हैं उसके जो रजिस्टर्ड टाइम और जो उसका ये है क्या बोलते हैं पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, टाइम बहुत मायने रखता है, कब आपने रजिस्टर्ड किया, कब इसमें अपना अपना जो पोजीशन है उसको कैप्चर किया, राइट। तो उस आधार पे आपने ज्वाइनिंग किया इसमें, ठीक है, तो उसके आधार पे ही आपकी नीचे प्लेसमेंट लगती चली जाएगी। ये AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा, ये इंसान नहीं करेंगे, ये सब सिस्टम ही अपने आप उसको ये करेंगे। और साथ ही साथ इसमें कहा जाता है कि इस तरह से ओवरफ्लो आपको मिलता चला जाएगा नीचे, ठीक है। और ये ओवरफ्लो मिलने के बाद क्या होगा कि आपको बोनस कितना मिलना है नहीं मिलना है वो भी आपको क्लासिफाइड किया गया है, बताया गया है। तो ये एक्चुअल अभी दिया नहीं गया है, लेकिन समय आएगा तो आपको वो भी मिल जाएगा कि कितना बोनस मिलना है नहीं मिलना है, ओके। उसके बाद कहता है दोस्तों कि ऐसे कंपनी में रिक्रूट्स करना कस्टमर्स को ऐसे अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन अगर यदि आप किसी को अपने अंडर रिक्रूट कर लेते हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा है, और आपके अगल बगल लोग जो आपको नियर डियर हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अच्छी चीजों को लोगों को शेयर हम लोग जनरली करते हैं। तो इसीलिए
देयर, इस तरह से क्या होगा, जो भी लोग रिक्रूटमेंट होते हैं वो ऑटोमेटिक नीचे, लोगों के नीचे ही जाने हैं ऑलरेडी, सब नीचे ही जाने हैं, ठीक है। दुनिया से कहीं से भी ज्वाइनिंग हो रही है ना उन पैसे में आज के डेट में, तो समझो कि वो आपके नीचे ही जा रहे हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि डेट स्टैम्प बहुत मायने रखता है। टाइम एंड टेबल, जो टाइम पे आप ज्वाइनिंग किए हो वो इम्पोर्टेंट है। इस चीज का कंफ्यूजन जो है आज क्लियर हो गया होगा, तो ये आपको ओवरफ्लो में काम करने वाला है, स्पिल ओवर में इसी का मजा आपको मिलेगा, ठीक है। आइए दूसरा सवाल पे जाते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल था कि देर आर ओवर 1 मिलियन फाउंडर्स, एम आई टू लेट एंड विल आई स्टिल मेक मनी। अभी ऑलरेडी एक मतलब 10 लाख से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, तो क्या अब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या हम अभी भी कमाने की उम्मीद रख सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग आ चुके हैं, क्या हमारा आना ठीक होगा इस समय, या ज्यादा लेट हो चुका है या क्या। इस तरह का सवाल अगर यदि कोई पूछे तो उसका जवाब आपको क्या देना है वो भी सुन लो दोस्तों। तो आपको उसमें जवाब देना है कि नो, यू आर नॉट लेट, आप बिल्कुल देर नहीं हुए हैं, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू मेक अ प्रॉफिट, आप एकदम योग्य हैं, प्रॉफिट बनाने योग्य हैं, और आप ऑन पे सिम में कभी भी आइए, आपका बहुत वेलकम है, और जो लास्ट व्यक्ति भी आएगा वो भी इसमें कमा के जाएगा, ठीक है। तो इसलिए निश्चिंत होके, टेंशन फ्री होके रिप्लाई कीजिए, नो प्रॉब्लम गाइस। तो इसका उत्तर भी आपको मिल गया होगा उम्मीद है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल जो चौथा सवाल है वो कहता है, वंस द फाउंडर पोजीशन क्लॉजेस विल इट स्टिल बी पॉसिबल टू बाय पोजीशन फॉर अदर्स। एक बार यदि अगर ये जो पोजीशन अभी चल रही है फाउंडरशिप का, ये अगर क्लोज हो जाएगी तो क्या उसके बाद भी हम लोग इसके पोजीशन को ले पाएंगे, क्लोज होने के बाद क्या हम लोग फाउंडर पोजीशन ले पाएंगे। ऐसा सवाल अगर यदि कोई पूछता है आपसे तो उसका जवाब आपको देना है कि वंस द फाउंडर पोजीशन क्लोजेस, एक बार अगर फाउंडर पोजीशन क्लोज हो जाता है तो नो वन विल बी एबल टू बाय पोजीशन, ठीक है। इस पोजीशन को दोबारा जिंदगी में कभी वो खरीद नहीं पाएगा, ठीक है, किसी के लिए भी, चाहे वो अपने लिए या किसी भी दूसरे के लिए, ये पोजीशन कोई नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि एक बार यदि बंद हो गया तो उसे फिर खरीदना तो मुमकिन नहीं है ना दोस्तों। आपके लिए तो सिर्फ नई पोजीशन, फाउंडर पोजीशन दोबारा से खोला जा सकता है, या किसी के लिए तो नहीं खोला जा सकता ना, तो इसलिए अभी खुला हुआ है तो इसे अभी ग्रैब कर लो, है ना। अभी इसे जितना चाहो उतने दोस्तों को शेयर करके उन्हें कह सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो, एंड इट इज रियली नीडेड टू बी रेकमेंडेड। अपने दोस्तों को समझाना बताना जरूरी है, नहीं तो बाद में वही कहेंगे साले तू अकेले ही निकल गया, अरे हम लोग को बताया नहीं है, इसलिए ऐसा समय आने ना दे, बताइए दोस्तों को, मैं भी बता रहा हूँ, बहुत लोगों को बताया हूँ। ये सवाल अगर जदि आता है तो ऐसे ही जवाब देना, ठीक है, समझ में आया ना। फाउंडरशिप अगर क्लोज हो जाए तो फिर क्या होगा आपको पता है। पांचवा सवाल जो कहता है, एज ए फाउंडर व्हाट डू आई डू आफ्टर द कंपनी लॉन्चेस द प्रोडक्ट। कहता है कि फाउंडर के तौर पे हमें क्या करना है, कंपनी जब एक बार कंपनी लॉन्च करती है प्रोडक्ट को तो एज ए फाउंडर हमारा क्या ड्यूटी रहता है, ठीक है। फाउंडर होने के नाते हमारा क्या फर्ज है प्रोडक्ट अगर लॉन्च होती है तो चलिए इसका जवाब भी बहुत अच्छा नहीं मिला है। आफ्टर लॉन्च फाउंडर्स हैव टू मॉनिटर द सिस्टम दे हैव पुट इन प्लेस, फॉर एग्जांपल वेबसाइट वैलेट एक्सेट्रा। कहने का मतलब है कि फाउंडर के नाते आपको क्या करना है, जब आप कंपनी एक बार लॉन्च हो जाती है, फिर लॉन्च होने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट इसके आते रहेंगे, तो उस समय आपको क्या काम रहेगा, आपको सिर्फ मॉनिटर करना है, आपको देखते रहना है कि मेरे इनकम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो, और कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हर चीज आपको मॉनिटर करना है, मतलब देख रेख करना, सिंपल से, ठीक है। सो अपने सिस्टम को सुपरवाइज करते रहो, देखते रहो, बस और कुछ नहीं करना आपको, एंड द रेस्ट लाइफ पूरा एंजॉय करते रहो बस, सिंपली, ओके। चलते फिरते अपने मोबाइल में ही मॉनिटर करते रहो, अपनी वेबसाइट को देखते रहिए, बस और क्या करना है आपको, करने वाले लोग तो कर ही रहे हैं, आप एंजॉय कीजिएगा बस जी। उसके बाद आता है छठा सवाल, व्हाट्स द राइट टाइम टू यूज ओ एकेडमी आफ्टर इट्स लॉन्च। लॉन्च होने के बाद, मतलब ओ एकेडमी एक प्रोडक्ट है जो वो लॉन्च हो जाएगा, तो उसका सही समय कब होगा उसका इस्तेमाल करने का, ये पूछा गया है कि सही समय कब है ओ एकेडमी लॉन्च होने के बाद इसका इस्तेमाल करने का। तो चलिए मैं बताना चाहूंगा कि जब एक बार ओ एकेडमी लॉन्च हो जाएगा पूरा पब्लिक के लिए, तो उस समय इसका इस्तेमाल सब कोई कर सकते हैं, है ना। यहाँ भी लिखा गया है, व्हेन ओ एकेडमी इज लॉन्च फॉर द पब्लिक इट कैन बी यूज इमीडिएटली, मतलब लॉन्च होने के राइट उसके ठीक बाद आप लोग, हम लोग, पूरी पब्लिक इसका इस्तेमाल कर पाएंगे अच्छे तरीके से, सिंपल सा आंसर है इसका भी। तो इस तरह का सवाल अगर कोई पूछे तो ऐसा ही जवाब देना दोस्तों। जवाब बहुत सारे सवालों का बहुत अच्छी तरह से दी गई है, और एक जवाब मैं यहाँ देना चाहूंगा, ये सातवां सवाल है,
उसमें कहता है दोस्तों, विल द मेडिकल प्रोफेशन बी एबल टू यूज ओवेलेट टू अटैच ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एंड बी एश्योर पेमेंट फॉर देयर सर्विसेज। कहते हैं कि क्या मेडिकल प्रोफेशन के लोग भी कहता है ओवेलेट का इस्तेमाल कर पाएंगे अपने पेमेंट की रिसीविंग करने के लिए, या पेमेंट जो ऑटोमेटिक होता है सिस्टम वो उसके लिए, क्या वो लोग भी जो मेडिकल पेशा में रहते हैं, मेडिकल लाइन में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ओवेलेट इस्तेमाल करने लायक होगा क्या? यही सवाल है मोटा मोटी। तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल मेडिकल प्रोफेशनल लोग भी कहते हैं इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकेंगे और इसमें ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस रहेगा तो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। ओवेलेट ओवरऑल एवरीबडी कैन यूज इट, राइट? सो नो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये मतलब पब्लिक लोगों के लिए है तो ऑब्वियसली कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है? चलिए, ये सवाल ऐसा आता है तो इसका जवाब आप इस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है? अगर एक सवाल और आता है, अगर मान लीजिए एक सवाल आया है, इफ आई हैव अ डिजिटल प्रोडक्ट कैन आई सेल इट वर्ल्ड वाइड, हाउ वुड आई कलेक्ट इट? मतलब कि अगर हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट है तो क्या हमें इसे पूरी दुनिया में इसे बेच सकते हैं, और हाउ वुड आई कलेक्ट इट, मैं इसे कैसे एक मतलब कलेक्ट करूंगा, ठीक है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से। सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स थ्रू योर वेबसाइट विल बी हैंडल्ड थ्रू द कंपनीज मार्केटिंग वर्टिकल इंक्लूडिंग कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम योर क्लाइंट एंड प्लेसिंग देम इन योर वैलेट। ऐसा सिस्टम है कि अगर जो भी प्रोडक्ट आप सेल करोगे वेबसाइट से तो वो डायरेक्टली कहते हैं आपके वेबसाइट से हैंडल हो जाती हैं, और कंपनी के मार्केटिंग से भी यदि अगर कोई प्रोडक्ट अगर सेल होती है तो उसका फंड्स जो है डायरेक्टली आपके ओ वैलेट में जाके जमा हो जाता है, ठीक है? तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके ओ वैलेट में ही पैसे आने हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो ओ वैलेट इज जिंदाबाद, टोटल मनी फाइनेंशियल जितने भी इश्यूज रहेंगे वो टोटल हैंडल करेगा ओ वैलेट हमारा, आना जाना जो भी सेलिंग होंगे, जो भी बाइंग होंगे, वो सब टोटल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास अगर अपना वेबसाइट हो और प्रोडक्ट हो जो हम सेलिंग कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट हो, तो विल आई नीड टू प्रोवाइड अ मार्केटिंग कैंपेन और सेल्स फनल्स? क्या तो उस समय क्या हमें मतलब मार्केटिंग कैंपेन या सेल्स के लिए कोई फनल मतलब जरूरत पड़ेगा क्या? अगर हमारा खुद का वेबसाइट है, प्रोडक्ट है जिसको सेल करना है, तो उसके लिए हमें अलग से मार्केटिंग कैंपेन या सेल्स फनल बनाना पड़ेगा क्या? ये पूछने का इनका सवाल है। इस समय आप जवाब ऐसा देंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर सपोज इफ यू वांट टू प्रोवाइड योर ओन मार्केटिंग एंड फनल्स एक्सेट्रा यू कैन, बट जैसे कि आपका खुद का है वेबसाइट और उस पर अगर आप खुद चाहते हो कि मार्केटिंग कैंपेन चलाना और फनल उसका बनाना एक्सेट्रा, तो वो आप कर सकते हो, वो आपकी मैटर है, आप कर सकते हो। लेकिन ये काफी आसान रहेगा आपके लिए कि अगर ये चीजें ऑन पैसिव खुद करे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ऑन पैसिव ही इसका पूरा जिम्मा ले चुकी है कि मार्केटिंग कैंपेन हो या एनीथिंग लाइक दैट, ट्रैफिक जो भी हो, वेब ट्रैफिक, वो सब वो ऑन पैसिव के माध्यम से ही प्रोवाइड की जाएगी आपकी वेबसाइट पे। तो फिर आप क्यों पर्सनली इसके बारे में टेंशन ले रहे हो यार? जो भी टेंशन है पूरे ऑन पैसिव पे छोड़ो ना, सिंपल यार, इसका जवाब भी बहुत सिंपल है, ठीक है? तो ऐसा कोई सवाल पूछे तो इसका जवाब ऐसे ही देना। एक सवाल और आता है दोस्तों यहाँ पे कि इज देयर अ लिमिट टू द नंबर ऑफ ईमेल्स यू कैन सेंड एट वंस थ्रू ओमेल? ओमेल के माध्यम से क्या हम अनलिमिटेड मेल्स भेज सकते हैं क्या? क्या या तो कोई उसमें लिमिटेशन तो नहीं है? तो इसका जवाब भी बहुत अच्छा मिला है हम लोगों को। इसका जवाब दिया गया कि नो, देयर आर नो मेल्स, एक्चुअली नो लिमिटेशन ऑफ मेल्स, है ना? ईमेल में अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड मेल्स आप कर सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि नहीं इतना मेल भेजना है आज, एक दिन में आप इतना मेल भेज सकते हो, उससे ज्यादा नहीं भेज सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक दिन में हजारों मेल भेजो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट है, आप जितना चाहो उतना इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों। तो काफी अच्छी फैसिलिटीज और अच्छी प्रोडक्ट की जानकारी दी गई है। तो हमारे इस वीडियो से अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे फिर जानते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, विल देयर बी एनी लीगल असिस्टेंस ऑफर फॉर फ्री और फी थ्रू ऑन पैसिव? तो ऑन पैसिव के माध्यम से क्या हमें लीगल मतलब कुछ सहायता मिलेगी क्या, चाहे वो लोग जो फ्री हों या फी जो थ्रू ऑन पैसिव के थ्रू जो फी होती है
है ना, फी या फ्री जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या ये सब लीगल असिस्टेंस मिलेगा क्या? तो कहते हैं कि जी बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, वी हैव लीगल असिस्टेंस ऑप्शन इन बोथ फ्री और पेड फॉर्मेट्स। जो लोग पहले से पेड करके बैठे हैं और जो लोग फ्री हैं, उन लोगों दोनों लोगों को लीगल असिस्टेंस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और आपको कोई भी अगर दिक्कत हो तो ऑन पैसिव जो है आपको उसकी समाधान के लिए खड़ी रहती है हमेशा, ठीक है। इसमें बहुत सारे कस्टमर सपोर्ट भी है इसके लिए, और मतलब कोई भी लीगल इश्यू है तो उसको भी क्लियर करती है ये। आप उसको जैसा फीडबैक दोगे वैसा वो उस पर कार्य करता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, सब क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो और पूरी अंत तक देखिएगा वीडियो, ठीक है, छोड़ना मत दोस्तों। उसके बाद आता है अगला सवाल कि एक सेकेंड, वुड इट बी बेटर टू गिफ्ट ए होमलेस पर्सन विद ओबलेस बाय देम ए पोजीशन अंडर यू? क्या ये आसान होगा या क्या ये अच्छा होगा एक घर बेघर आदमी को अगर हम लोग गिफ्ट दें कुछ ओबलेस के माध्यम से, या उनके लिए कोई पोजीशन हम लोग जैसे ऑन पेसिव में ही कोई पोजीशन अगर उन लोग को दे दे तो कैसा रहेगा? तो ये इसका बहुत अच्छा जवाब मिला कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो कि जिसको ओबलेस के माध्यम से, अब ओबलेस एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से लोगों को मदद करने के लिए ही बनाया गया है दोस्तों। तो ओबलेस इज द बेस्ट टूल टू हेल्प मेनी होमलेस पीपल, वेर इज इफ यू हैव वन स्पेसिफिक पर्सन इन माइंड पर हैव्स अ पोजिशन वुड बी द बेस्ट और बेटर ऑप्शन। कहने का मतलब है कि अगर किसी को मदद कर रहे हो पैसे से वो तो ठीक है ही, लेकिन अगर उसको ज्वाइनिंग करा देते हो ऑन पैसिव में तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। किसी को पैसा दो मत, उसको डायरेक्ट पैसा कमाने का लूर सिखा दो, वही बात होती है यहाँ, है ना। तो ऐसा जवाब जरूर देना अगर कोई ऐसा सवाल पूछता है। तो अब आता है अगला सवाल, वुड एन ओ वैलेट बी एबल टू बी यूज एज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? किसी ने ऐसा भी सवाल पूछा, क्या ओ वैलेट को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है सीधा कि नो भाई, ओ वैलेट एक सिर्फ फाइनेंशियल पैसे के लिए है, एक स्पॉट वैलेट टाइप का है, ठीक है, जिसमें हम लोग पैसे रखते हैं तो उसमें होल्डिंग होगा, आपका फाइनेंशियल होल्डिंग के लिए रखा गया है, वो सिस्टम बनाया गया है। उसमें ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस वगैरह, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। डायरेक्ट इग्नोर करना भाई ऐसे ऐसे सवालों को, डायरेक्ट बोलना कि भाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है उसमें। और एक सवाल आया है कि कैन ओ वैलेट बी यूज एज अ रिटायरमेंट फंड? क्या रिटायरमेंट फंड के लिए ओ वैलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जवाब भी बहुत अच्छा दिया गया है कि ओ वैलेट एक सिंपली होल्डिंग स्पॉट है फॉर फाइनेंसेस के लिए, आप इसका इस्तेमाल किसी और प्रोसेस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चाहे रिटायरमेंट का भी फंड अगर उसमें आता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं है उस, आखिर तो उस फंड को इस्तेमाल ही करना है कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल बात ये है कि ओ वैलेट एक होल्डिंग स्पॉट है वेर यू कैन होल्ड योर मनी, राइट, आपके फाइनेंशियल जो भी है वो आप वहां पे होल्ड करके रख सकते हो। अगला सवाल आता है कि विल ओ वैलेट बी टाइड टू द ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स? क्या ओ वैलेट में कोई ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाएगा या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा क्या ओ वैलेट में? ऐसा सिस्टम कुछ है क्या? इस चीज को अगर यदि कोई पूछता है तो उसका जवाब आप क्या दोगे दोस्तों? तो उसका जवाब देना है कि करेंटली ऐसा कोई मॉडल डिजाइन नहीं किया गया कि उसमें ब्लॉकचेन को डालना है, ठीक है। ओ वैलेट में ब्लॉकचेन डालेगा ऐसा कोई मॉडल अभी तक डिसाइड नहीं किया गया, ऐसा कुछ नहीं बनाया गया अगर यदि कोई पूछता है तो। और हालांकि क्या है कि फिर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बाद में अगर जरूरत अनुसार ऐसा लगा तो इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है ओ वैलेट के साथ। और लेकिन अभी अदर प्रोडक्ट जैसे आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनता चला जाएगा तो उसमें हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, जैसा जरूरत होगी वैसा ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है इसमें, ठीक है। अब आता है दोस्तों कि व्हेन विल आई बी एबल टू ऐड और बिल्ड माय वेबसाइट ऑन द ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म? ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म पे मैं कब अपना वेबसाइट बना सकता हूँ और उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ ये बताइए। तो दोस्तों कि एक बार ओ क्रिएट आपका रेडी हो जाएगा, ओ क्रिएट एक हमारा प्रोडक्ट है, ओ क्रिएट अगर एक बार रेडी हो गया तो यू विल हैव एक्सेस टू द प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग बेटा और प्री लॉन्च। प्री लॉन्च और बेटा के समय जो बेटा टेस्टिंग होती है ना उसके समय आपको उस समय इसके एक्सेस मिलेगा, आपको इस प्रोडक्ट को उस समय मिलेगा, तो आप उसका इस्तेमाल करके
और देखोगे कि हाँ वेबसाइट बनता है कि नहीं बनता है, राइट। जनरल पीपल जो होता है, जो लोग है पब्लिक, कैनॉट एक्सेस टू दिस प्रोडक्ट इन बेटा और प्री लॉन्च। प्री लॉन्च और बेटा टेस्टिंग में इस प्रोडक्ट का एक्सेस पहुंच नहीं मिलेगा पब्लिक को, ये सिर्फ फाउंडर्स लोगों को ही मिलेगा, समझ रहे हैं। ओ क्रिएट नाम का हमारा एक ऐसा मतलब प्रोडक्ट है जिससे कि हम लोग वेबसाइट बना सकेंगे आराम से, ओके। आई एम श्योर कि आप समझ रहे हैं बातों को। इस तरह से अगर कोई सवाल आए तो ऐसा क्लियर कीजिएगा। कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइनिंग अप एज ए फाउंडर फॉर $97 और वेटिंग फॉर द प्रीमियर लॉन्च। कहता है कि $97 के तौर पे अगर हमें देकर जो साइन अप करते हैं ऑन पैसिव में, उसमें और या इंतजार करेंगे प्रीमियर लॉन्च के लिए जो फाइनल लॉन्च होगा उसमें, उसको इंतजार करने में, दोनों में क्या अंतर है। तो अंतर को बहुत ही अच्छा से समझाया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि कोई ऐसा पूछे सवाल तो इसका जवाब भी आप दे सकते हैं कि देखिए $97 देकर यदि आप फाउंडर बनते हैं तो इससे इसका मतलब होता है कि आप कंपनी के कुछ ऐसे फाउंडर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे एडवांटेजेस मिलेंगे, लाभ मिलेगा फाउंडरशिप का। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो स्पेशल लाभ मिलेगा, ठीक है, प्री लॉन्च में मिलेगा लाभ आपको, और साथ में जो लोग इंतजार कर रहे हैं इसको पब्लिक लॉन्च तक के लिए, तो उन लोगों को इस चीज का हमेशा खल रहे, मतलब कमी महसूस रहेगा जिंदगी में कि काश एक अपॉर्चुनिटी था इसका फाउंडरशिप लेने का, लेकिन ले नहीं पाए। बस यही अंतर है। पब्लिक लॉन्च में लोग जो आएंगे उनको ये चीज का एहसास रहेगा कि काश हम भी फाउंडर उस समय बन गए होते, ठीक है, और आज जो बन गए हैं वो तो फिर फाउंडरशिप का बेनिफिट और एडवांटेजेस तो लेंगे ही लेंगे। यही अंतर है बस, बाकी और कोई ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप सोच लो, आपके ऊपर है, आप अभी आना चाहते हो या बाद में आना चाहते हो, है ना, इट्स अप टू यू। और एक सवाल आया है कि डू यू थिंक इट इज पॉसिबल दैट ऑन पैसिव कुड बिकम मोर देन एन AIT कंपनी। क्या आपको लगता है कि ऑन पैसिव एक IT कंपनी से ज्यादा कुछ बन सकता है? तो इसका जवाब यह है कि जी, IT कंपनी से ज्यादा कुछ बन चुका है, ठीक है। ऑन पैसिव हैज ऑलरेडी बिकम मोर देन जस्ट एन IT, ठीक है, AI और IT कंपनी से ज्यादा ही बन चुका है, और बहुत कुछ, बहुत बड़ा गेम हो चुका है इसमें, मतलब बहुत कुछ बड़ा इसमें डेवलप हो चुका है। बिजनेस सर्विसेज से लेके डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ AI एम्पावर प्रोडक्ट्स हैं इसके, तो बन रहा है ना जी, बिल्कुल। तो जितने सोचे थे उससे ज्यादा ही काफी ये उतरा हुआ है इसका, काफी लाजवाब रिस्पॉन्सेस मिले हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल देयर बी कंपनी मीटिंग्स वर्ल्ड वाइड वेयर वी विल मीट फाउंडर्स अदर फाउंडर्स? क्या मतलब दुनिया में कहीं भी अगर फाउंडर्स की जो मीटिंग होती है वो हम लोग कर पाएंगे और एक दूसरे से फाउंडर्स लोग मिल पाएंगे क्या वर्ल्ड वाइड में, मतलब पूरी दुनिया में? ये सवाल भी इनका अच्छा है और ये सवाल का जवाब भी लाजवाब है। यस, अ गुड नंबर ऑफ मीटिंग्स विल हैपन अक्रॉस मेनी कंट्रीज फॉर द फाउंडर्स टू मीट। बहुत सारी अच्छी अच्छी मीटिंग्स होंगी जी, बिल्कुल होंगी, और उसमें बहुत सारे फाउंडर्स एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर रहे होंगे। इसके लिए भी प्रोविजन रहेगा ऑन पैसिव में, तो बहुत मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मैं जानता हूँ, लेकिन वीडियो इंटरेस्टिंग भी तो हो रही है, पूरी सवाल के जवाब जो मिल रहे हैं आपको। उसके बाद आता है, वेयर कैन आई फाइंड द कंपेंसेशन प्लान फॉर ऑन पैसिव? ऑन पैसिव के लिए जो कंपेंसेशन जो प्लान है, बिजनेस प्लान जो है, वो कहाँ मैं ढूंढ सकता हूँ, कहाँ मिलेगा मुझे? तो फिलहाल तो दोस्तों ऐसा है कि यू कैन नॉट एक्सेस द कंपेंसेशन प्लान फॉर ऑन पैसिव एट नाउ, यू नो, नाउ एज ऑफ नाउ यू कैन नॉट एक्सेस दिस, क्योंकि इसको तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता अभी। ये आफ्टर ग्लोबल लॉन्च ही लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली कॉम्पेंसेशन प्लान क्या है ऑन पैसिव, राइट। सो ये क्वेश्चन का यही जवाब है, तो अच्छा है ना, ये तो सिंपल सा है यार, ऐसे ही सही जवाब देना। उसके बाद आता है, कैन यू एक्सप्लेन द बोनस प्लान फॉर द प्रीमियर लॉन्च? प्रीमियर लॉन्च में जो बोनस मिलने वाले हैं, क्या आप उसको समझा सकते हैं? तो ऐसा है कि बोनस प्लान जो है प्रीमियर लॉन्च का, वो बोनसेस जो है वो पैड होंगे, डिपेंड करता है अमाउंट्स फॉर फाउंडर्स हु हैव ज्वाइन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। जो खास पीरियड में जो फाउंडर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको डिपेंड करता है, और उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि आप कब आए कब नहीं आए, तो उसके आधार पे ही आपको फाउंडरशिप पे आधार पे आपको बोनसेस मिलेंगे बाद में, ठीक है। प्रीमियर लॉन्च के समय में बताया गया ये चीजें।
तो समय का देखिए, समय बहुत मायने रखता है किसी भी चीज पे, तो इसमें समय का बहुत ज्यादा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहा है। अगला सवाल है दोस्तों कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रीमियर लॉन्च एंड हार्ड लॉन्च, हार्ड लॉन्च और प्रीमियर लॉन्च में दोनों में क्या अंतर है, ये इसका पूछा जाता है, बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि ये दोनों में अंतर क्या है। चलिए आज इसका अंतर बता ही देते हैं। देखिए, प्रीमियर लॉन्च होता है, ये एक रिहर्सल होता है और ये एक टेस्ट ड्राइव है, समझिए, ठीक है। टेस्ट ड्राइव होता है क्या चीज का, तो वो प्रोडक्ट का होता है, जो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं मार्केट में। ऑफिशियल लॉन्च होने से पहले जिस प्रोडक्ट का टेस्ट ड्राइव होता है ना, टेस्ट करते हैं, उसी को हम लोग एक्चुअली प्रीमियर लॉन्च कहते हैं। और हार्ड लॉन्च कहते हैं जो पब्लिक के लिए फुल्ली ये पब्लिक हो चुका है, मतलब उसकी जो प्रोडक्ट है फुल्ली पब्लिक हो, पब्लिक के लिए डेवलप करके दिया गया है। ऑडियंस, आप कोई भी ऑडियंस उसको इस्तेमाल कर रही है, कोई भी पब्लिक उसकी इस्तेमाल कर रही है, वो होता है हार्ड लॉन्च, समझ गए। तो ये आज क्लियर हो गया हुआ आपको, अब टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो प्रीमियर लॉन्च और हार्ड लॉन्च क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। अब मैं अगला सवाल है दोस्तों कि हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड डज ऑन पैसिव हैव ए प्रेजेंस इन, कितने देश आज के डेट में दुनिया में कितने देशों में ऑन पैसिव की उपस्थिति है, मतलब मौजूद है ऑन पैसिव। तो मैं आपको बता दूं कि 212 कंट्रीज बताई गई हैं जिसमें आज करेंटली ऑन पैसिव उपस्थित है और काफी लाजवाब काम कर रहे हैं लोग। फाउंडर वहां से पूरे 212 देशों से फाउंडर्स की ज्वाइनिंग गिर रही है पर डे, ओके। ये हुआ इसका जवाब, इस तरह से आप लोग दे सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, वेयर आर द ऑन पैसिव ऑफिसेज लोकेटेड, मैं आपको बताना चाहूंगा ऑन पैसिव के ऑफिस कहाँ लोकेट होते हैं, कौन सी जगह पे है इनके ऑफिस। तो ऑन पैसिव इज लोकेटेड इन ऑरलैंडो एंड हैज एन ऑफिस इन द IIT हब ऑफ हैदराबाद इंडिया। तो इंडिया में भी इसका ऑफिस है और हेडक्वार्टर जो है ऑरलैंडो में है। इंडिया में जो है वो IIT हब का, हैदराबाद के IIT हब में इसके ऑफिसेज हैं, जहाँ पे ऑपरेशनल वर्क चलता है, जहाँ पे काम वगैरह चलता है काफी, जितने इंजीनियर्स हैं सब वहीं पे काम कर रहे हैं, समझ गए आप। ये और भी बहुत सारे नए ऑफिस इसके आ रहे हैं, अभी फिलहाल पता चला है ऑरलैंडो में, सिंगापुर, सॉरी ऑरलैंडो तो है ही है, टोरंटो में, सिंगापुर, बांग्लादेश और दुबई, ये चार ऑफिस रिसेंटली अब आने वाले हैं, तो बहुत कम समय में जल्दी ही पता चल जाएगा। इसका डाटा सेंटर भी डेवलप हो रहा है, अपना डाटा सेंटर बनने जा रहा है। तो ऑन पैसिव से जुड़ेंगे तो बहुत सारे इसकी नॉलेज मिलेंगे, आप स्टडी कीजिए इसको, जितना स्टडी करेंगे, जितना बैक ऑफिस में लॉगिन करके इसके बारे में जानेंगे, बहुत सारी चीजें नॉलेज है। तो अगला सवाल आता है, हाउ मेनी कंपनीज हैज एश ऑन बिफोर ऑन पैसिव, एश सर जो है ऑन पैसिव से पहले और कितनी कंपनियां इनके हैं, इसका सवाल पूछा गया। तो फिलहाल तो एस सर जो है पूरी डेडिकेशन के साथ ऑन पैसिव में ही लगे हुए हैं, तो हम यही जानते हैं कि भाई ऑन पैसिव एकमात्र कंपनी है फिलहाल उनके पास जो जी जान से लगे हुए हैं और इसको पूरी दुनिया में झंडा गाड़ने में लगे हुए हैं, जी जान लगा चुके हैं वो बंदा, ठीक है। वो उनके उनके बारे में जितना कहूं उतना कम है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, यू आर सिंपली ग्रेट एंड लव यू सर, ओके। और चलिए आगे जानते हैं, आर पेंडिंग फाउंडर अकाउंट ट्रांसफरेबल, क्या जो भी पेंडिंग फाउंडर रहेंगे क्या वो अकाउंट जो है ट्रांसफरेबल रहेंगे क्या, तो उसका जवाब भी यहाँ मिल गया दोस्तों। पेंडिंग फाउंडर्स अकाउंट आर करेंटली ट्रांसफरेबल बाय सम ऑफ द लीडरशिप काउंसिल मेंबर, सिर्फ LC मेंबर के हाथ में रहेगा कुछ, वो भी कुछ LC मेंबर्स के हाथ में, कि वो अगर चाहें तो कुछ अकाउंट को जो होते हैं किसी का अगर पेंडिंग फाउंडर्स के अकाउंट है उसको ट्रांसफर कराना हो तो या तो सपोर्ट करेगा या तो LC मेंबर कर सकता है, ठीक है, करवा सकता है। लेकिन आजकल LC सर लोग भी जो है LC मेंबर्स लोग वो लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सपोर्ट से ही जाइए, बेटर रहेगा, ठीक है। तो सपोर्ट में जाके आप ट्रांसफरेबल या जो भी इश्यू है आप वहां से करवा लीजिएगा। एक बार लॉन्च हो जाएगा तो ऑल फाउंडिंग जितने भी फाउंडिंग पेंडिंग फाउंडर्स है वो जितने भी अकाउंट है वो सब फ्लश आउट हो जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। अब आता है, इज देयर अ ईयरली फी फॉर फाउंडर्स, हाउ मच इज द फी फॉर रिसेलर्स, क्या फाउंडर्स के लिए ईयरली फी होगा और कितना फी होगा रिसेलर्स के लिए। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो इसका जवाब आपको देना है दोस्तों कि ईयरली रिन्यूअल फी जो फाउंडर का होगा वो $97 होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा ईयरली फी जो अगर फाउंडर का होगा, यदि होता है तो वो $97 हो सकता है।
और रीसेलर के लिए रिन्यूअल फी जो होगा वो डिपेंड करेगा समय के अनुसार, बट इट्स नॉट क्लियरली मेंशन्ड हियर नाउ. ये समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन होगा जरूर, ये तो डेफिनेटली है. हम मुझे लगता है कि ईयरली भी होगा और डिपेंड करता है, और मंथली समथिंग मंथली भी हो सकता है, मंथली बेसिस पे भी करते लोग इस पे फी डिपॉजिट कर रहे होंगे. उसके बाद व्हाट इज द मंथली लिमिट ऑन द डेटा, कहता है कि डेटा पे मंथली लिमिट होगा क्या, तो देर इज नो मंथली लिमिट ऑन द डेटा. डेटा पे कोई मंथली लिमिट नहीं रहता है इसमें, जितना चाहो उतना डेटा का इस्तेमाल करो, डेटा चलता रहेगा. व्हाट इज द मंथली सब्सक्रिप्शन फी, मंथली सब्सक्रिप्शन फी कितना हो सकता है, ये सवाल बहुत जेन्युइन है और बहुत बार पूछा गया है. तो इसका भी जवाब ये है कि $200 से लेकर $300 के बीच में आपका सब्सक्रिप्शन फी एक्सपेक्टेड किया गया है. इट जस्ट एन एक्सपेक्टेड, ओके, तो एक्सपेक्टेड है, ऐसा आशा किया गया है कि $200 से लेकर $300 आपका मंथली सब्सक्रिप्शन फी हो सकता है. तो ये जवाब आप दे सकते हैं अगर यदि कोई पूछे तो, नहीं तो हमारा ये वीडियो दे दीजिएगा भाई, जिसकी जिसको जो ज्यादा सवाल पूछता है ना उसका पूरा आंसर ही मिल जाएगा उस बंदे को. उसके बाद अगला सवाल आता है, व्हाट हैपेंस टू द अकाउंट इफ द अकाउंट होल्डर पासेस अवे. ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, उस अकाउंट ऑन पैसिव के अकाउंट का क्या होगा अगर वो मर गया तो. वो व्यक्ति अगर जो अकाउंट चला रहा है वो अगर यदि मर जाता है तो उस अकाउंट का फिर होगा क्या. इसका जवाब बहुत अच्छा मिला दोस्तों. इसका जवाब है कि अगर कोई अकाउंट होल्डर मर जाता है, जैसे कि ऑन पैसिव का कोई अकाउंट चला रहा है और वो अचानक से उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो वो क्या करेगा, उसके जो प्रियजन होंगे, उसके घर के लोग होंगे, वो क्या करेंगे, सपोर्ट टीम जो है ऑन पैसिव को, उनको इत्तला करेंगे, उनको नोटिफिकेशन भेजेंगे, उन्हें नोटिफाई करेंगे, और कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होगी, वहां पे बताना होगा कि फलना जो था कोई भी व्यक्ति जो जिनकी डेथ हो गई उनके बारे में उनको अच्छे से जानकारी देना होगा, उसके बाद बताकर फिर आईडी ट्रांसफर हो सकती है. ठीक है, तो प्रॉपर जेन्युइन तरीका है, उसके माध्यम से आईडी ट्रांसफरेबल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. ओके, इन दैट केस आईडी कैन बी ट्रांसफर टू देयर लव्ड वन, मतलब उनके जो भी अपने प्रियजन होंगे उनके में उनको ये आईडी दे दिया जाएगा, तो पूरी जिंदगी पूरी फैमिली की अच्छी तरह से घर गृहस्थी चल पाएगी. तो अच्छा है दी, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी ये आपकी ऑन पैसिव जिंदगी भर साथ निभाएगा दोस्तों, तो और क्या चाहिए, है ना. हर कोई अपने बाल बच्चे के लिए ही सोचता है कि मैं तो अभी जिंदा हूं तब तक चल रहा है, मेरे मरने के बाद क्या होगा, तो ऑन पैसिव ने उसके लिए भी ख्याल रखा है, बिल्कुल रखना चाहिए दोस्तों. तो ये सवाल का उस जवाब दे सकते हैं. अगला सवाल है, इज द ऑन पैसिव फाउंडर पोजिशन ट्रांसफरेबल, क्या आप अपना फाउंडर पोजिशन जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को. तो ऐसा है, यस बिल्कुल कर सकते हैं, फाउंडर पोजीशन कल का अपना ट्रांसफर कर सकते हैं. यू कैन डू इट लीगली थ्रू सपोर्ट, सपोर्ट टीम को आपको इसको भेजना होगा और अब सपोर्ट के माध्यम से इस चीज को किया जा सकता है. ठीक है, अगर यदि इच्छा है कि मैं मुझे नहीं चलाना अब ऑन पैसिव, मैं अपने भाई को देना चाहता हूँ अपना आईडी, अगर अपनी इच्छा से तो आप अपनी आईडी को अपने भाई को दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सपोर्ट टीम से आपको कंसल्ट करना होगा, उनकी उनसे है उनके असिस्टेंस लेकर आप कर सकते हैं. अगला सवाल आता है, हाउ डज वन एक्सेस द प्रॉफिट मेड इट ऑन पैसिव, ऑन पैसिव पे जो प्रॉफिट होगी उस पे कैसे एक आदमी एक्सेस कर पाएगा. तो एक्सेसिंग एक्चुअली देखिए, ये सवाल का जवाब ऐसा है, प्रॉफिट को एक्सेस कर पाएगा कोई भी फ्रॉम योर अकाउंट इज डन वंस योर सेट योर वैलेट. आपका वैलेट अगर एक बार सेट हो गया तो आपका आराम से प्रॉफिट को एक्सेस कर सकता है. एनी वन कैन एक्सेस योर प्रॉफिट इफ वंस योर ओ वैलेट इज सेटअप. ओके, अगर वो वैलेट आपका सेटअप हो गया बढ़िया से तो उसपे मतलब आपकी प्रॉफिट जो जमा होगा उसे आप ले सकते हो एनी टाइम. और किसी को अगर हैंडओवर कर दिया मेरा अपने वैलेट को तो वो भी निकाल लेगा, है ना. तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें है, इस पर ध्यान देना दोस्तों. और ऐसा करने के लिए टू डू दिस यू मस्ट हैव अ पेड सब्सक्रिप्शन, आपका सब्सक्रिप्शन पेड होना जरूरी है, तभी जाके ओ वैलेट से आप इनकम निकाल पाओगे. याद रखना, ओ वैलेट से इनकम तभी आप निकाल पाओगे यदि आपका सब्सक्रिप्शन पेड होगा, नहीं तो यू कैन व्यू द प्रॉफिट बट यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस देम. आप प्रॉफिट देख पाओगे लेकिन प्रॉफिट निकाल नहीं पाओगे, याद रखिएगा दोस्तों. ठीक है, तो ये जरूरी बातें थी. ओ वैलेट में अगर एक बार आपका लगता है प्रॉफिट आ गया तो उसे आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन पेड होने के बाद ही आप निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे. इसलिए सब्सक्रिप्शन पेड इज मस्ट, सब्सक्रिप्शन सबकी पेड करनी होगी, तभी ओ वैलेट में तो हम उसे देखते रह जाएंगे.
और सुना एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आई हैव हर्ड दैट 3 इज फ्री, डज दिस मीन आई नीड टू गेट 3 पीपल, वंस आई हैव 3 कैन आई एड मोर। सो सवाल ये है दोस्तों कि जैसे कि 3 इज फ्री कहा जाता है ऑन पैसिव में कि आफ्टर एडिंग 3 पीपल दैट मीन्स यू आर फ्री, तो ऐसा कुछ नहीं है, है भी, मैं वो भी बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत लोगों का सवाल है कि 3 लोगों को लाने के बाद क्या होगा। जी बिल्कुल, द 3 एंड फ्री मीन्स इसका मतलब ही होता है इफ यू हैव 3 पीपल इन योर टीम। ओके, रिमेम्बर, याद रखिएगा, अगर यदि 3 लोग आपके टीम में होते हैं तो इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट्स होंगे उनके सब्सक्रिप्शन से, किनके सब्सक्रिप्शन, जो 3 लोग आपके नीचे आएंगे उनके सब्सक्रिप्शन से जो प्रॉफिट होगा वो आपके सब्सक्रिप्शन पे करने के काम आ जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि 3 इज फ्री, 3 लोग अगर आ गए तो उसके सब्सक्रिप्शन के प्रॉफिट से आपके सब्सक्रिप्शन का सब्सक्रिप्शन जो मंथली है वो भरा जाएगा आराम से। इसलिए लोग ज्यादातर टीम बनाने पे काम कर रहे हैं, इसलिए आप भी करो, मैं सजेस्ट करूंगा आपको। इसलिए आपको लास्ट में $200-$300 जो सब्सक्रिप्शन फी लगने वाली है ना वो नहीं लगेगी आपकी, बच जाएगी भाई, इसलिए थोड़ा मेहनत करो। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे कहते हैं कि जैसे ही फाउंडर के तौर पे कंपनी जो है मार्केट करेगी आपके लिए, आपके लिए टीम बनाएगी, इट विल जस्ट टेक लॉन्गर, थोड़ा सा समय लगेगा आपकी टीम बनाने में, लेकिन अगर आप खुद चलते टीम थोड़ा सा बना लेते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा एक हेल्प हो जाएगा। और बहुत ज्यादा आपको ये रिकमेंड भी किया गया है कि आप अपना खुद का जितना बना सकते हो कर लो, बाकी टीम तो कंपनी बना ही रहेगी, टेंशन नहीं है। कहा भी जाता है कि ये जरूरी नहीं कि आप रिक्रूट करो किसी को, क्योंकि कंपनी विल डू एवरीथिंग फॉर यू, सो व्हाट एल्स डू यू वांट, राइट। एनीवे, आगे अगला सवाल है कि हाउ डज वन मेक मनी ऑन पैसिव, प्लीज नेम अ फ्यू वेज ऑफ मेकिंग मनी। एक आदमी पैसा कैसे बनाएगा ऑन पैसिव में, और अगर बना सकता है तो किस तरीके से बना सकता है, आइए जानते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। एक बार कंपनी अगर लॉन्च हो जाती है, ठीक है, लॉन्च कर देती है अपने प्रोडक्ट को, पूरा ग्लोबल लॉन्च के तौर पे ग्लोबल ऑडियंस को दे देती है अपनी प्रोडक्ट, अगर पूरी पब्लिक को दे देती है ऑन पैसिव एक बार, तो उसमें क्या होगा कि हर एक फंडर को उसको रिटर्न मिलेगा, उसके सेल्स के जो प्रोडक्ट होंगे, जो सेल्स होगा उस पर उसको रिटर्न इनकमिंग मिलेगा, ठीक है। तो जितने प्रोडक्ट सेल्स होंगे उसको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, सिंपल है ना, इस तरह से वो अपना कमाएगा, यही तो है। और भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन पूरी तरीके यहाँ नहीं बताए गए हैं, लेकिन आपको समय के अनुसार पता चल जाएगा दोस्तों। कहते हैं कि और भी बहुत सारा चीज है, कहते हैं कि आर देयर एनी एडिशनल आउट ऑफ पॉकेट फीस बिफोर प्रीमियर लॉन्च, व्हाट अबाउट ड्यूरिंग प्रीमियर लॉन्च, व्हाट अबाउट आफ्टर हार्ड लॉन्च। कहता है कि क्या कोई खास एक्स्ट्रा जो पॉकेट से फीस लगने वाले हैं क्या प्रीमियर लॉन्च से पहले, और प्रीमियर लॉन्च के दौरान मतलब क्या हो सकता है, और हार्ड लॉन्च के बाद क्या होगा, ये सब सवाल है। तो 3 सवाल पूछे गए हैं टोटल। तो पहला तो है कि टू बिकम अ फाउंडर यू पे $97, एक फाउंडर बनने के लिए आपको $97 देना पड़ता है, प्लस $5 फी आपको एक्स्ट्रा लग जाता है इफ यूज अ क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आफ्टर क्या होता है, उसके बाद वी आर ओपन टू एवरीवन, ठीक है, उसके बाद हम लोग सबके लिए खुल जाता है वो साइट। द फर्स्ट मंथ जो सब्सक्रिप्शन होता है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि पॉकेट से ही जाएगा, उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन आपको लगेगा ना वो पहला पॉकेट से जाता है, बाद में चलता है आपके इनकम से, वो ओ वैलेट से डिलीट होता मतलब डिडक्शन होता चला जाएगा, समझ रहे मेरी बात को, यही होता है, बस यही अंतर है प्रीमियर लॉन्च हार्ड लॉन्च में, सब यही होने वाला है। तो कंफ्यूजन मत रखना दोस्तों, अगर किसी भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगा, हेल्प करूंगा। ओके, तो उसके बाद आता है कैन आई जस्ट बी अ रिसेलर विदाउट बीइंग अ फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव, क्या मैं सिर्फ एक रिसेलर बन सकता हूं बिना फाउंडर ऑन पैसिव के बने हुए। तो ये बिल्कुल, यू कैन बी अ रिसेलर विदाउट बीइंग अ फाउंडर, बिना फाउंडर बने भी आप एक रिसेलर बन सकते हैं बिल्कुल, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है फाउंडर के लिए तो। यू वुड हाउएवर मिस आउट एन वेरियस बोनसेस एंड एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ फाउंडर, फाउंडर होने का जो नाते आपको जो लाभ मिलने वाला है, जो बोनसेस मिलने वाला है, उसको आप बहुत जिंदगी भर मिस करोगे। अगर यदि आप मिस कर जाते हो फाउंडर बनना, आप चाहते हो रिसेलर ही बनना तो बन सकते हैं, लेकिन अगर आप फाउंडर बन जाते तो आपको बोनसेस एडवांटेजेस जो भी है बेनिफिट फाउंडर्स के वो तो मिल जाता ना आपको, तो इसको मिस नहीं करो। बाकी समझ गए होंगे, बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस क्लियर किए हैं दोस्तों। और आता है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग अ फाउंडर एट ऑन पैसिव, ऑन पैसिव में फाउंडर बनने का लाभ क्या है,
ये लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ और इसको बताऊंगा दोस्तों। यू कैन प्री बिल्ड योर टीम, ऑन पेसी में आने के बाद, फाउंडर बनने के बाद आप अपनी टीम बना सकते हो और आपको ओ फाउंडर का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। ओ फाउंडर में आपको एक्सेस मिल जाएगा, आप खोल कर देख सकते हो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद मार्केटिंग आपके लिए किया जाता है ऑन पेसिव के माध्यम से, आपको सबसे पहले प्रोडक्ट को एक्सेस करने का मौका मिलता है। उसके बाद आप बेटा टेस्टिंग और एक पूरा अच्छा व्यू मिलता है ऑन पेसिव का, पूरा क्लियर व्यू कि एक्चुअली हो क्या रहा है, अंदर की पूरी बातें आपको समझ में आती है ऑन पेसिव की। फाउंडर बनने का ये फायदा है। उसके बाद बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग और बहुत सारी चीजें जो है आपको इसके बारे में पता चलती है। इतना ही है दोस्तों, वैसे तो है बहुत कुछ लेकिन जितना कहूँ कम है। तो इतना मैंने क्वेश्चन कोशिश किया क्लियर करने के लिए। फिर भी अगर यदि कोई सवाल रह जाता है तो प्लीज जरूर पूछने का प्रयास कीजिएगा, मैं भी आंसर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, आपने इतना प्यार दिया मुझे इतना पूरा वीडियो देखने के लिए। तो इतना जब देख ही लिए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह सब कर देना दोस्तों। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय गाइज़।